इस चीज को लगाने के बाद आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे दिखेंगे। ये चीज क्या है, यही मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मैं आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ अपने चैनल जीवन ब्यूटी टिप्स में, और मैं हूँ आपकी दोस्त जीवन। फ्रेंड्स, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, इसको लगाने के बाद आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे दिखेंगे, ये 100% गारंटी है। आप एक बार मेरे बताए हुए तरीके से इसे यूज कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको अपने फेस पर यूज करना है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। आपको किस तरह से, कब और कैसे लगाना है, इसको लगाने का सही तरीका कौन सा है, यही आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आप प्लीज इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे बताए हुए तरीके से ही कोकोनट ऑयल को अपने चेहरे पर लगाएं। आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा, आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा, शाइन आएगी, चमक आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको इसे कब और कैसे लगाना है ये मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले आपको ये बता दूं कि नारियल का तेल आपके चेहरे पर किस तरह से काम करता है, इसको लगाने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इसको लगाने से आपके चेहरे की जितनी भी डेड स्किन है, डेड सेल्स हैं, आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है, वो रिपेयर होगी, आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो एड होगा। आपके चेहरे पर चाहे कितने भी पुराने से पुराने दाग धब्बे, पिंपल्स, एक्ने स्कार्स या फिर चोट का कोई निशान है, नारियल का तेल उसे भी क्योर करेगा। बस आपको इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए। ये बहुत ही सस्ती सी चीज है, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं आपके चेहरे के लिए, आपके बालों के लिए। वही आज मैं इस वीडियो में डिटेल से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको कब और कैसे नारियल का तेल यूज करना है। जो भी व्यूअर्स मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो मोस्टली कोकोनट ऑयल को किसी ना किसी तरह अपने फेस पर या फिर हेयर्स पर अप्लाई करते होंगे, बट आपको इसे अप्लाई करने का सही तरीका नहीं मालूम होता है। 90% लोग इसे गलत तरीके से ही अपने चेहरे पर यूज करते हैं, तो मैं आज इस वीडियो में आपको इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका बता रही हूँ। 1 से 2 बार यूज करने पर ही आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप इस विंटर कोकोनट ऑयल को ही अपने चेहरे पर लगाना पसंद करोगे, इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप नारियल का तेल हफ्ते में 2 बार मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करते हो, आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, 40 की है, 50 की है, 30 की है, आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे दिखेंगे। आपके चेहरे से किसी को भी आपकी उम्र का नहीं पता चलेगा। आपके चेहरे पर जितनी भी झुर्रियां हैं, पिगमेंटेशन है, ये कोकोनट ऑयल उसे भी क्योर करेगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि आपको इसे किस तरह से चेहरे पर अप्लाई करना है। पहले हम तैयार करेंगे फेस पैक। उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ संदलवुड पाउडर, यानी कि चंदन का पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह पर मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए या फिर बेसन, जो चीज़ आपकी स्किन को सूट करती है आपको वही चीज़ पैक बनाने के लिए यूज़ करनी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप चाहें तो ग्लिसरीन ले लीजिए या फिर आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी स्किन को सूट करता है। मैं यहाँ पर आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, जो भी आप यूज़ करना चाहें यूज़ कीजिए। आप चाहें तो ग्लिसरीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्लिसरीन की 2 से 3 बूंदें इस पैक में ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हनी, यानी कि शहद। आपको 1 से 2 चम्मच भरकर हनी इस पैक में ऐड कर देना है। हनी आपकी स्किन को रिपेयर करता है, आपकी स्किन को हील करता है, आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है, आपकी स्किन पर मॉइस्चराइजर का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें हनी ऐड कर देना है। नेक्स्ट जो चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है करड, यानी कि दही। आपको दही इतना ऐड करना है ताजो हमारा पेस्ट बनकर अच्छे से रेडी हो जाए। मैं यहाँ पर 1 चम्मच और ऐड कर रही हूँ। अब हमारा पेस्ट बनकर हो चुका है रेडी। अब आपको इस पैक को चेहरे पर कैसे लगाना है और पैक लगाने के बाद चेहरे पर कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है, वही मैं आपके साथ आगे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। फेस पर कोई भी मेकअप क्रीम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो स्पून की हेल्प से इस पैक को अपने पूरे चेहरे पर लगा लें, आप चाहे तो फिंगर की सहायता भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा पैक स्पून की हेल्प से लगा रही हूँ, आधा मैंने अपने हाथों की हेल्प से अपने पूरे फेस पर पैक को अप्लाई किया है।
इसको लगाने के बाद आपको 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। ये पैक पूरी तरह ड्राई नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें हनी, ग्लिसरीन और शहद ऐड किया है, इसलिए ये पैक फुल ड्राई नहीं होगा। जब सेमी ड्राई होगा 15 मिनट के बाद, आपको कैसे पैक को रिमूव करना है वो ट्रिक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मोस्टली व्यूवर्स ये गलती करते हैं कि वो पैक तो लगा लेते हैं फेस पर बट उसे रिमूव करने का सही तरीका उन्हें नहीं आता है। इस पैक को सही तरीके से रिमूव कैसे करना है, आप चाहे कोई भी फेस पैक अप्लाई कर रहे हो बट उसे रिमूव करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। 15 मिनट हो चुके हैं, मेरा फेस पैक फुल ड्राई नहीं है, सेमी ड्राई ही है, मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। मैं इसको स्पून की हेल्प से पहले रिमूव कर दूंगी। सारा पैक निकालने के बाद आपको कोई भी लेना है हैंकी, कोई स्पंज ले लीजिए, उसे गुनगुने पानी में डिप कर कर अपने पूरे फेस को क्लीन कर लीजिए। फ्रेंड्स, मोस्टली फेस पर रिंकल्स आने का यही रीज़न होता है कि आप जब भी कोई पैक लगाते हो तो आप पैक लगाने के बाद बीच बीच में बातें करते हो, जिससे कि आपके चेहरे पर रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। फेस पैक को लगाने के बाद आपको कभी भी डायरेक्टली फेस वॉश नहीं करना है, पहले अपने पैक को गीला कीजिए, रिमूव कीजिए, हैंकी ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए, पैक को रिमूव करने के बाद ही आपको गुनगुने पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह से पैक को रिमूव कर लिया है। जैसे ही मैंने फेस को वॉश किया, रिजल्ट देखकर मैं खुद हैरान हो गई कि मेरे फेस पर इतनी अच्छी चमक आई है। अब आपको लेना है कोकोनट ऑयल। आप जो भी ऑयल अपने चेहरे पर लगाना पसंद करते हो आप वो भी ले सकते हो, बट मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। मैंने कोकोनट ऑयल को लेकर अच्छी तरह से अपने हाथों पर गर्माहट देकर पहले इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लीजिए, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है तो कोकोनट ऑयल मोस्टली जम जाता है। आपको पहले हल्के हाथों से गर्म कर लेना है और अपने पूरे फेस पर ऐसे पैक की तरह, एक लेयर की तरह आपको अप्लाई कर लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मिनट हल्के हाथों से मसाज करनी है और ऐसे ही इस पैक को फुल नाइट के लिए छोड़ दें। आपको इस पैक को नाइट टाइम ही अपने फेस पर अप्लाई करना है अच्छे रिजल्ट के लिए। तो आज के बाद जिस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आपको कोकोनट ऑयल को कैसे यूज करना है, आप इसी तरीके से कोकोनट ऑयल को अपने चेहरे पर लगा के देखिएगा। आपको कोई भी फेशियल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ना ही आपको अपने चेहरे पर कोई क्रीम लगाने की जरूरत है। आप मार्केट में जाकर महंगे से महंगा फेशियल करवाते हो बट उसका आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप ये पैक ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपका टाइम भी सेव होगा, आपके पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे और घर पर ही आपको मिलेगा गोरा चिट्टा चमकता हुआ चेहरा। आपका फेस इतना ज्यादा ग्लो करेगा कि सभी आपसे पूछेंगे कि आपने अपने फेस पर कौन सी चीज लगाना शुरू किया है जिससे कि आपके चेहरे पर इतना ज्यादा ग्लो है। तो आप उस टाइम मेरी इस वीडियो का लिंक उन्हें जरूर देना कि आप भी ये चीज अपने फेस पर अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में छोटा सा बेल बटन है उसे जरूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले और आप मेरी हर आने वाली वीडियो को वॉच कर पाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरी नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बी हैप्पी बी पॉजिटिव। Thanks for watching. Take care. Bye-bye.